बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उन तमाम की डिटेल अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आज जी हम जा रहे हैं किंगडम वैली की साइट पर, और किंगडम वैली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं साल डेढ़ साल से मार्केट पर मौजूद है, और अप्रूव प्रोजेक्ट होने की वजह से और लो कॉस्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। और आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप मतलब रियल इस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम अगर कोई प्रोजेक्ट आपको अप्रूव्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका फराहम कर रहा है तो वो आपका किंगडम वैली है। किंगडम वैली में आपके पास मल्टीपल रेजिडेंशियल कमर्शियल फार्म हाउसेस के ऑप्शंस मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अभी भी बहुत सारे ड्यू लोग जो है वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब क्योंकि रेट्स रिवाइज्ड हो चुके हैं और आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है, जिन लोगों ने बिन देखे सौदा किया था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई मार्केटिंग नहीं थी, उस वक्त किंगडम वैली ने 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो 5,75,000 रुपये में भी सेल किए हैं, 8 लाख में भी सेल किए हैं, 9,75,000 रुपये में भी सेल किए हैं। और उसके बाद डेवलपमेंट जब उसने कर दी, मुख्तलिफ ब्लॉक्स लॉन्च किए, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मुख्तलिफ रेट्स और मुख्तलिफ लोकेशन जो है वो दी, और उसके बाद उनके रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ किए। अब आप कह सकते हैं कि किंगडम वैली ने मेन चक्री रोड के ऊपर भी अपना ब्लॉक जो है वो लॉन्च कर दिया, हीरोज़ ब्लॉक, और इसमें यहाँ पर रेट जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 19 लाख रुपए रखे गए हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं, पहले लोग कह रहे थे जी कि ये जो है वो शहर से बहुत दूर प्रोजेक्ट है, और इसके बाद यहाँ पर उसकी जो अप्रोच है वो सिर्फ यही आपका जो छोटा रोड है उसी से होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल डायरेक्टली 0 किलोमीटर पर आ चुके हैं, जो आपका चक्री इंटरचेंज है उससे 0 किलोमीटर पे आप लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ें जो हैं वो डेवलप होने में, डिलीवर होने में टाइम लगता है, और अब इसी डिलीवरी में किंगडम वैली ने एक पहले भी नोटिफिकेशन दिया था लेकिन उसमें जो है वो बैलेटिंग नहीं हो सकी थी। अब ऑफिशियली जो है वो एक बैलेटिंग का नोटिस जारी कर दिया है किंगडम वैली, क्योंकि पहले जब लोग यहाँ पर विज़िट करते थे तो तकरीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपको जो है वो छोटे रोड से जाना पड़ता था, लेकिन अब मोटरवे के बिल्कुल 0 किलोमीटर पर आप आ चुके हैं और यहाँ से आने वाले फ्यूचर में आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिलेगी, और यहाँ से एक गेट इसका अगर इंशाल्लाह बन जाता है किंगडम वैली का तो आप जो है वो डायरेक्टली 0 किलोमीटर पे आप आ जाएंगे। किंगडम वैली का ये विज़न है कि लो कॉस्ट में लोगों को एक अच्छी जो है वो लिविंग प्रोवाइड की जाए, और इसके लिए वो शबो रोज़ मेहनत किए जा रहे हैं। शबो रोज़ उनकी ये कोशिश है कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट हो सके। लैंड के हवाले से बहुत सारे लोगों को पहले प्रॉब्लम थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग कर ली है, लैंड इनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन लैंड के हवाले से जो इसके चेयरमैन हैं ग़ुलाम हुसैन शाहिद साहब, उन्होंने लैंड के हवाले से बारहा दफ़ा हमें विज़िट भी करवाए, और इस हवाले से हमें यकीन दहानी भी है कि यहाँ पर इनके पास एरिया जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब रही बात डेवलपमेंट की और रही बात बैलेटिंग की, बैलेटिंग के हवाले से एक दफ़ा पहले भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, लेकिन अब ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि अब इन एनी केस जो है वो हम अपनी बैलेटिंग को पॉसिबल बनाएंगे, और उन तमाम मेम्बरान को जिन लोगों ने बैलेटिंग क्राइटेरिया को क्वालिफाई किया होगा, जिसमें 95% तक आपको अपने ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर करने हैं, इसके बाद आप बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं किंगडम वैली की। और किंगडम वैली में जो आपने लो कॉस्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान किया है उस पर आपको इंशाल्लाह प्लॉट नंबर जो है वो एलोकेट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद क्योंकि अभी राइट नाउ मार्केट में जो रियल इस्टेट की मार्केट है वो थोड़ी बहुत क्राइसिस का शिकार है, और इसमें फौरन से एक अच्छे रिटर्न जो है वो तभी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जब हमारी मार्केट जो है वो पॉलिटिकली स्टेबल होगी, हमारा जो ओवरसीज क्लाइंट है या जो हमारी ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो कॉन्फिडेंट है वो रियल इस्टेट मार्केट में जब करेंगे तो उसके बाद आप मार्केट में एक अच्छा रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
किंगडम वैली में आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का काम था उन्होंने अब इसके लिए एक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हायर किए हैं, और उसमें उसके बाद जो उनकी इमेज है डेवलपमेंट के एतबार से बहुत अच्छी रही है। बहुत सारा डेवलपमेंट का काम जो है वो हमने इस शॉर्ट पीरियड में देखा है, और अभी भी हम किंगडम वैली की साइड की तरफ ही मूव ऑन कर रहे हैं, और हम देखते हैं किंगडम वैली की साइड पर कि क्या मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बैलेटिंग से पहले तमाम मेंबरान के लिए पॉसिबल की जा रही हैं। क्योंकि 95% तक जब आप बैलेटिंग क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपने जो है वो अपनी तकरीबन कंप्लीट पेमेंट जो है वो सोसाइटी को अदा कर दी है। ये भी आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर काम जो है वो जारी है, और जो हम जिस गेट से हम पहले जाते होते थे ये उससे आप कह लें कि तकरीबन 1.25 किलोमीटर जो है वो पहले है। ये भी एक गेट है, और यहाँ से भी आपकी अप्रोच होगी। तो आने वाले फ्यूचर में आप किंगडम वैली में अगर आप अप्रोच करना चाहेंगे तो डायरेक्टली मोटरवे से भी आप इसकी अप्रोच कर सकेंगे, जैसा कि इसके 4-5 गेट हैं, तो आप इसको मुख्तलिफ गेट से अप्रोच कर सकेंगे। एक मेगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये बनने जा रहा है, और लो कॉस्ट में जिन लोगों ने अच्छे टाइम पर यहाँ पर बाइंग कर ली है उनके लिए बहुत अच्छे जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर इसको वो होल्ड करते हैं। इसके साथ साथ किंगडम वैली की कोशिश रहती है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स दिए जाएँ, ताकि आप मज़ीद अपनी इंस्टॉलमेंट को प्लान कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी आसानी के साथ अपनी इंस्टॉलमेंट को प्लान कर सकें। तो बारहा वो नए नए जो उसकी डिस्काउंट्स होती हैं वो लाता रहता है, और हम अपने क्लाइंट के साथ उसे शेयर करते रहते हैं। किंगडम वैली में जनरल ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के हवाले से आप मल्टीपल डिस्काउंट ऑफर जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आप दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो भी फाइल्स है, जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहे हैं उस पर मल्टीपल जो डिस्काउंट फॉर्म्स हैं आप वो हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी इंस्टॉलमेंट को पे कर सकते हैं। किंगडम वैली की इस साइड से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली पार्क की तरफ जाना चाहते हैं तो ये वाला रोड जो है यहाँ से आप उसको फैमिली पार्क की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर आप इंटरनली सोसाइटी के अंदर से आप इसको अप्रोच करना चाहते हैं तो अभी इसकी कनेक्टिविटी जो है वो मिली हुई है, आप वहाँ से इंटरनली भी जो है वो उसको अप्रोच कर सकते हैं। और ये आप पूरा एरिया जो है वो देख सकते हैं, किंगडम वैली यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट कर रही है। आए रोज़ उनकी ये कोशिश है कि जिन मेंबरान की भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मौजूद है उनको ऑन टाइम डिलीवर की जाए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी आपके 2 साल जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हुए हैं, जिन्होंने पहले बुकिंग करवाई थी उनके आप कह लें कि 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने बाद में अपनी बुकिंग करवाई है तो ऑलमोस्ट 2 साल का पीरियड जो है वो यहाँ पर अभी हो चुका है। इस 2 साल के अरसे में बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है, और आने वाले मज़ीद 2 साल में आप एक मेगा डेवलपमेंट यहाँ पर जो है वो विटनेस कर सकेंगे। और किंगडम वैली लो कॉस्ट में आपको बहुत अच्छी डेवलपमेंट के साथ अगर आपको यहाँ पर ख़रीदारी करने का मौका फराहम कर रहा है तो आप देख सकते हैं। ये आइकन इंजीनियरिंग की आप काम जो है वो ऑन साइट पर देख सकते हैं, बहुत हैवी मशीनरी के साथ यहाँ पर किंगडम वैली अपनी डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी रखे हुए है, और ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट में बहुत सारा जो है वो काम जारी है, और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम मेंबरान को जिनकी जो है वो पेमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं उनको डिलीवरी दी जा सके। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है वो अभी बहुत ज़्यादा काम जो है वो जारी है, हमें दूसरे गेट की तरफ से जो है वो एंट्री करनी चाहिए, लेकिन फिर भी खुशी है कि यहाँ पर एक हैवी मशीनरी के साथ डेवलपमेंट का काम जारी है। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो एक अच्छी जगह पर लग रही है, और आप बेफिक्र होकर अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बहुत मेगा आप कह सकते हैं कि मशीनरी का जो है वो काम यहाँ पर किया जा रहा है, और जो लोग कहते थे कि यहाँ पर मशीनरी नहीं है, प्लीज़ एक दफ़ा साइट विज़िट ज़रूर करें, और साइट विज़िट करने के बाद आप ये ख़ुद जो है वो बता सकते हैं कि कितनी मशीनरी है और कितना काम जो है वो ऑन साइट हो रहा है, और कितनी सी इंस्टॉलमेंट आपसे ली जा रही हैं, और कितने सरचार्जेज़ आपको लगाए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप ख़ुद विटनेस करें, और उसके बाद आप अपने कमेंट्स जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि यार कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जा रही है, और क्या सोसाइटी को मज़ीद जो है वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।